हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पीड़ित आप भी हैं, पीड़ित मैं भी हूँ दोस्तों। पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। आज जो हम आपको न्यूज देने वाले हैं दोस्तों, वो किसी गोद मीडिया की या किसी अखबार की न्यूज लेकर नहीं आए दोस्तों। अपनी पीड़िता और अपनी दर्द को आप तक पहुंचाना आए हैं और ये बताना आए हैं कि इस वक्त लोढ़ा कमेटी ने जो हमारे पैसे को लेकर बैठी हुई है, और ये पैसे का जो इसने इस वक्त हमें झुंझुना दिखा रखा है 5,000 2,500 का। तो दोस्तों, इस तरीके से निवेशकों का पैसा 10 साल में भी नहीं मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन आप से हम ये बताने चाह रहे थे दोस्तों कि पैसा मिल जाता अगर ये लोढ़ा कमेटी जी। हाँ दोस्तों, ये अपना आपको बहुत स्मार्ट जज बनता है। रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज होने के नाते बहुत ज्यादा रसूख रखता है, और राजनीति में भी इसका अच्छा खासा मोदी जी से संबंध है। तो दोस्तों, अब आपसे सीधी सीधी बात ये बताएं कि एक बार इन्होंने कहा था लोढ़ा कमेटी जी ने के पल्स का जो पैसा देगा वो प्रपोजल भर सकता है, और उसका जो भी इन्होंने प्रारूप बनाकर दिया था उसके आधार पर 12 प्रपोजल आए थे दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, बड़ी से बड़ी कंपनियों के आए थे इनके समोवर में दोस्तों। अब उसमें पीएसएल का भी एक प्रपोजल आया हुआ था दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ बात रोक के बता दूं कि जैसे कि गोद मीडिया हमें अक्सर ये कहती है कि कंपनी भाग गई है और कंपनी ने पैसा नहीं दिया था, इस तरह की अफवाहों का पुलंदा गोद मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अगर वास्तविकता जानो तो दोस्तों, वास्तविकता यह है केवल पीएसईएल के निवेशकों के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी केवल उस पर ही सेवी भाग का अधिकार है, ना कि जो पल्स के और इनके उद्योग चल रहे हैं और इनके कारोबार चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चिटफंड में फंसाकर इस कंपनी को बैंड किया गया, तो कंपनी की ये दो इकाइयां या एक इकाइयां जो भी थी इसकी, पीएसएल इंडिया लिमिटेड और पीजीएफ, उसका भी अभी बाकी पेमेंट था दोस्तों। तो कुछ ये दोनों कंपनियों को इसने प्रतिबंध लगाया और उसके पैसे की देनदारी लोढ़ा कमेटी के हाथ में दे दी गई, जब सेबी के बस में नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के भीतर भीतर इनका पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों, 3-4 साल ऐसे गुजार दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो गई। उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी पलट कर ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो दोस्तों, ये तो थी बात सुप्रीम कोर्ट की, कि अपंग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी अपंग बना दिया है। बनाने वाले लोढ़ा एंड सन्स हैं। लोढ़ा कमेटी ने प्रपोजल मांगे, प्रपोजल में पीएसएल का प्रपोजल गया। उसने कहा कि मैं 28 करोड़ की देनदारी है मेरी, ये मैं दे दूंगा, निपटा दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि लोढ़ा कमेटी ने कुछ इस तरीके के अंडरग्राउंड ताने बाने बुन रखे हैं राजनीति से, जो कि इतना 49,700 करोड़ रुपया गरीबों को देना नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर लोढ़ा कमेटी चाहती तो ये पैसा दे सकती थी, लेकिन लोढ़ा कमेटी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, इसमें राजनीति षड्यंत्र की एक बू नजर आती है, जिसके आधार पर 49,100 करोड़ रुपया प्रजातंत्र में राजतंत्र की लूट की कगार पर है। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास सार्थक हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे संगठन हैं उन संगठनों ने अपना दबाव बनाया हुआ है, चाहे वो सेवी भाग हो। और दोस्तों, अब तो जनवरी के माह में 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पर एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर पीएसएल के निवेशकों की एक तारीख है। उस तारीख में सभी पीएसएल निवेशकों से आह्वान किया गया है कि वे वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी बात को रखें और सुप्रीम कोर्ट को उसका वादा याद दिलाएं कि क्या हुआ तेरा वादा कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो वो वादा सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए सभी निवेशकों से आह्वान किया गया था। दोस्तों, हमारा भी यही कहना है कि अगर आपको पैसा पाना है और अपने पैसे के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना है, तो दोस्तों, 49,000 करोड़ की ये लूट जो प्रजातंत्र में राजतंत्र की गई है, इससे बचा जा सकता है।
तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन हमारा कहने का मकसद आपसे यही था कि लोढ़ा कमेटी नहीं चाहती कि निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट करके ये पैसा दे रहे हैं। 49,700 करोड़ की इस लूट में 6,85 करोड़ निवेशकों का मेहनत का खून पसीने का पैसा जो इस वक्त लूट की कगार पर है। दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है कि आज भारत सरकार की ऐसी गलत नीतियां जिनके आधार पर निवेशक आज खून के आंसू रोने पर मजबूर है। तो दोस्तों हम हमारा आपसे अनुरोध है कि 21 तारीख के लिए अपनी तैयारी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट लेकर आपके लिए। तो दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत, धन्यवाद।